तो हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है? तो भाई सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो आ जाया हूँ मैं गाड़ी का इंजन कराने अपने सिटीनेट का, और मैं हूँ इस टाइम TVS की एजेंसी पे। TVS के कारण बजा आज के, तो मैं आपको अपनी बाइक इंजन की आवाज़ सुनाता हूँ कैसी आ रही है, उसके बाद फिर इंजन खुलवाते हैं, फिर कुछ काम करवाना है और भी देख लेंगे, तो आपको दिखाता हूँ फिर मैं। देखो तो ये देख सकते हो, आवाज़ सुनाता हूँ इंजन की आपको, आवाज़ इंजन की आवाज़ कैसी आ रही है। कुछ ज़्यादा ही मतलब मज़ा नहीं आ रहा इंजन में, और आवाज़ तो काफ़ी मस्त है वैसे। इंजन ही खुलवाते हैं पूरा, और इस पर कलर वगैरह भी करवाना है। देखिए इंजन अब खुल चुका है, तो भाई अब बनवाते हैं इसका इंजन। ये देखो हालत, देख लो इंजन की कैसा है इस टाइम, और इसको खुलने के बाद फिर कलर करवाया जाएगा। ये क्रैंक खराब है क्या इसकी? सही है, सही है, क्रैंक तो खराब थी नहीं की नहीं, अभी तो हम नहीं खोलना चाह रहे थे। चलो कोई नहीं, वो फिर भी काम हो जाएगा, जो भी वाटर वाटर की चीज़ डलेंगी। पिस्टन तो शायद 100 नंबर का डलेगा इसमें। रिंग पिस्टन डलवाओगे किट डलवाओगे? मैं वही 100 नंबर का डलवाऊंगा। कुछ बताओ इसके बारे में। नहीं नहीं, आप फिर डलवाओगे ना? नहीं, मैं सोच रहा हूँ इसी करवाऊँ, फर्क तो पड़ता नहीं वैसे, क्या कहना है? फर्क पड़ेगा, पड़ता है ओरिजिनल ओरिजिनल। चलो देखते हैं, ये देख सकते हो खुल गया है इसका अस्थि पंजर। ये देखो सारा ताम तबीला खुल गया इसका, इसको बनवा के लाते हैं और इस पर करवाएंगे पेंट। देखते हैं क्या मजा आएगा फिर अब इंजन करवाने में। और कर रहे हैं हमारे, क्या नाम है सर अपना? रोहित। रोहित, और सर अपना बताओगे नहीं सर? अरे हंस रहे हो, हंसना नाम है क्या? स्माइलिंग क्यों सर, बताओ तो। ठीक नाम है? अच्छा चलो ठीक नाम है आपका। तो ये सर हमारा इंजन बांध रहे हैं, तो इसको करवा के फिर मिलते हैं। इसका रेट देख सकते हो, इसका रेट है, दिख भी रहा है इसमें, साला ब्लर कर रहा है पास में, 323 रेट है इसका। ये है वाल, और उषा का पिस्टन दिखाना वैसे, ये है उषा का पिस्टन 25 नंबर, ठीक है। ये ब्लॉक किट लिए, ये है ब्लॉक किट, मतलब मैंने लिए सेकंड हैंड वहीं से ही, तो भाई सस्ते में निमट गए इसे। और ये है अपना हेड, ये बनवाते हैं अभी। ये क्रैंक, और ये खुली हुई है क्रैंक है अभी अपनी, ये है क्रैंक, अभी बना रहे हैं फिर आपको दिखाते हैं इसमें क्या कमी निकली है, क्या चीज़ डलती है। तो इसका प्राइस देख सकते हो 400 रुपये हैं, दिख रहा है वो तो, खैर दिख नहीं रहा मुझे भी वैसे। और ये है कंपनी NBC, ठीक है। इस ये है 250 रुपये का, लेकिन प्रिंट रेट है इस पर 400 रुपये। ये क्रैंक के बैरिंग में है, मतलब क्रैंक के बैरिंग डलते हैं, ये क्रैंक के बैरिंग होते हैं। और ये हैं दो बैरिंग, देख सकते हो, ये होते हैं क्रैंक के बैरिंग, दो बैरिंग, मतलब ये 250 रुपये के हैं दोनों, और प्रिंट रेट है 400 रुपये। भाई हम आए हैं सरदार जी के ढाबा पे खाना खाने, सरदार जी है ये है अंदर से, ऐसा देख सकते हो। अरे बेटा खाना खाने के लिए, हाँ भाई भूख लग रही है तुझे? क्यों ज़्यादा, क्या मंगवाया फिर? अभी आएगा तो पता चलेगा क्या है, क्या मंगाया फिर भी बता दे, चल देख लेते हैं, आ जाएंगे पहले। और भैया क्या हाल है?
तो भाई ये मंगाया कढ़ाई पनीर, और ये है रोटी, और ये सैलेड। भाई खाते हैं और फटाफट फिर उठना काम करवाते हैं गाड़ी का। तो भाई ये है अपना टाइमर हो गया, ये पेंट चालू हो गया इसके लगना, और ये होगी सफाई, मतलब सारी सफाई हो गई है हर चीज़ की, ऐसे सब पे पेंट होएगा। ये भाई लगे पड़े हैं सफाई करने इसकी, ले लो वीडियो तुम्हारी है। तो भाई ये बढ़िया करके काम कर रहे हैं, देखो किसाई तो पेंट होता है, आपको दिखाता हूँ फिर मैं। अपना ये देख रहे ना, चारा मोनेटाइज हो गया भाई, जब भी देख खर्चा कर रहा है। सही देख रहा हूँ, सही लाओ ना को भैया। ये बन गई अपनी क्रैंक, बैरिंग वगैरह सब तल गए इसके, जो पन्नी भी उड़ गई ठीक है। और ये अपना हेड हो गया, ब्लॉक किट जिसे बोलते हैं, 25 नंबर की है ये, मतलब पिस्टन इसका। और ये भी कंप्लीट हो गया, और ये इसमें इसके वार्सल वगैरह जो वाल वोल होते हैं उसके अंदर पड़े हैं। तो अपने भाई साहब ने इन्होंने बनाया। सर सर क्या नाम हुआ अपना? विवेक। कहाँ से सर? गदरपुर से, यहीं से ही? नहीं, दनेशपुर। अच्छा, दनेशपुर, ठीक ठीक। तो ये इनकी शॉप है, देख सकते हो, मतलब यहीं पे ये सारा काम वगैरह होता है। काफ़ी सामान पड़ा है, देखो काफ़ी किलो किट पड़ी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आ सकते हो, मतलब गदरपुर में यहाँ दुकान बापूजी मंदिर के ना, ये गली है, मतलब बापूजी मंदिर के सामने गली है, इसके सामने से ही शॉप है यहाँ पे। खैर बोर्ड वगैरह तो कुछ नहीं लगा रहा, दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये बिल्डिंग के ऊपर है, ये देख सकते हो। और इस साथ में ये मतलब खाद खुद की दुकान है, इसके बराबर से ही है। और ये सामने बापू मंदिर है यहाँ से। पास में लाना। तो भैया गाड़ी का काम कल दिखाएंगे, अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, सुबह से लगे पड़े हैं, सुबह गए थे मतलब 9:30 के आसपास, और अभी पेंट वगैरह का काम रह गया है, और कल बनवाएंगे इंजन। तो कल आपको सारा कुछ दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ। तो ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और यहाँ का थोड़ा नज़ारा देखिए, यहाँ का खूबसूरत जंगल एरिया। तो बताना कैसा लग रहा है आपको कमेंट।